गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको बताया था लास्ट टॉपिक एक्वेशन ऑफ पार्टनर का। अब हम आज न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं। नया चैप्टर है हमारा नंबर 6, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। इसका मतलब है कि अगर कोई पार्टनर फर्म से रिटायर होना चाहता है तो उसका ट्रीटमेंट हमको क्या करना होगा, किस तरीके से हम अपने अकाउंट्स को एडजस्ट करेंगे, कैसे रिटायरिंग पार्टनर को उसका अकाउंट सेटल करके पे करेंगे, ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे। ठीक है, जब भी कोई पार्टनर रिटायर होता है तो उसकी प्रोसेस क्या होती है? प्रोसेस वही है जो आप मोस्टली एडमिशन में कर चुके हैं। पहला है कि सबसे पहले तो उसका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पता किया जाता है, फिर गुडविल निकाली जाती है जो वहाँ पे करते थे, रिवैल्यूएशन बनाया जाता है असेट्स और लाइबिलिटी को लेकर, रिजर्व वगैरह को बांटा जाता है, फिर रिटायरिंग पार्टनर को कितना अमाउंट पे करना है ये निकाला जाता है और रिटायरिंग पार्टनर को अमाउंट हम पे कर देते हैं और लास्ट में कैपिटल को एडजस्ट किया जाता है। तो यानी आप देख रहे हैं कि मोस्टली वही चीज़ है जो हम एडमिशन वाले चैप्टर में ऑलमोस्ट पढ़ चुके हैं। तो इसका पहला है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये आप जानते हैं कि अगर कोई पार्टनरशिप फर्म में से कोई एक पार्टनर अगर रिटायर होगा या फर्म को छोड़कर जाएगा तो बचे हुए पार्टनर को पहले से ज़्यादा शेयर मिलेगा, यानी उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाएगा। तो हमें सबसे पहले उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना होगा। तो उससे रिलेटेड इलस्ट्रेशन आपको यहाँ पे गिव, इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट, ये आप देखिए इसके दो पार्ट हैं। ए, बी और सी ये पार्टनर थे जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1/2, 2/5 और 1/10 था। आपको नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताना है इन तीन कंडीशन में, अगर ए रिटायर हो, अगर बी रिटायर हो या अगर सी रिटायर हो। सेम यही क्वेश्चन यहाँ पे आपको दे रखा है एक्स वाई जेड के नाम से। एक्स वाई जेड का रेशो 5:4:1 है, आपको नया रेशो बताना है अगर एक्स रिटायर हो, वाई रिटायर हो या जेड रिटायर हो। दोनों ही पार्ट में सॉल्यूशन सेम होगा, कैसे होगा ये आप यहाँ देखिए। सबसे पहले ए, बी और सी इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 1/2, 2/5 और 1/10 था। तो इसको इक्वल करने के लिए 2, 5 और 10 का एलसीएम लेंगे तो 10 आएगा। 2 5 जा 10, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4 और 10 1 जा 10, यानी इनका जो रेशो होगा वो 5:4:1 होगा। यही हमको सेकंड पार्ट में दे रखा है, बस नाम चेंज है। ध्यान रखिएगा, अगर कोई पार्टनर रिटायर होता है तो अगर हमें कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी तो बचे हुए पार्टनर का बचा हुआ रेशो वो हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन में आप लें कि अगर ए रिटायर होता है, यानी ये अगर रिटायर हो जाता है तो बी और सी का रेशियो क्या बच गया, जो ये बच गया, यानी 4:1 हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप नेक्स्ट लें, अगर बी रिटायर होता है, यानी अगर ये रिटायर हो जाता है बी वाला पोर्शन, तो ए और सी का नया रेशियो क्या हो जाएगा, 5:1 हो जाएगा। सेम एज इट इज़ अगर आप तीसरी कंडीशन लें, अगर सी रिटायर होता है यानी ये रिटायर होता है तो ए और सी का रेशियो क्या होगा, जो ये इनका बचा हुआ, यानी 5:4 हो जाएगा। ये तब यूज़ करते हैं जब हमें कोई अदर इन्फॉर्मेशन गिविन नहीं होती है। अब अगर अदर इन्फॉर्मेशन गिविन हो तो उससे रिलेटेड आप सेकंड इलस्ट्रेशन देखिए। यहाँ दे रखा है आपको कि ए, बी और सी ये तीन पार्टनर थे, ए बी सी, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 का था। बी फर्म से रिटायर होता है और उसका शेयर ए और सी ले लेते हैं कितने में, 2:1 में। आपको नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताना है, यानी बी का शेयर ए और सी लेंगे किस रेशियो में, 2:1 में। तो इसके सॉल्यूशन देखिए, यहाँ हो रहा है इसका सॉल्यूशन कि ए, बी और सी ये पार्टनर थे, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 था, यानी 5/10 ए का, 3/10 बी का और 2/10 सी का। बी रिटायर हो जाता है, यानी बी का शेयर क्या है, 3/10, यानी बी का शेयर है 3/10, और उसके शेयर को ए और सी किस रेशो में ले रहे हैं, 2:3 में, यानी 2/3 ए लेगा और 1/3 सी लेगा। तो सबसे पहले तो जो इसका शेयर है 3/10, हमें इसको 2:1 में डिवाइड करना पड़ेगा ताकि ये निकाल सके कि ए को कितना मिला और सी को कितना मिला। तो ए कितना ले रहा है, 2:1 के अकॉर्डिंग 2/3, बी का शेयर था 3/10, इसका 2/3 ए ले रहा है। तो यहाँ पे देखिए हम काटें तो 3 से 3 कट हो जाएगा और 2 से ये 10 फाइव टाइम कटेगा, तो यानी 1/5 बी के शेयर में से ए को मिलेगा। सेम एज इट इज़ बी कितना ले रहा है, सॉरी सी है, यहाँ पर ये गलत लिख गया है, सी कितना ले रहा है, सी ले रहा है 3/10 का 1/3, क्योंकि इसका शेयर 1/3 है, यानी ये आएगा 1/10। तो देखिए ए को पहले मिल रहा था 5/10,
तो 5/10 ये और 1/5 इसे अब बी के में से मिल जाएगा। तो 1/5 इसे प्लस करेंगे तो एलसीएम लेके प्लस करेंगे तो इसका रेशियो आएगा 7/10। ये सी है, मैं यहाँ पे रख देता हूँ। सी का शेयर क्या होगा, सी को पहले कितना मिल रहा था 2/10, यहाँ पे देखिए 2/10 मिल रहा था इसको शेयर, और इस रेशियो के अकॉर्डिंग 1/10 इसको बी के में से मिलेगा। तो डिनोमिनेटर सेम है 2+1 यानी 3/10। तो अब ए और सी का नया रेशियो निकालें, 7/10 ए का और सी का 3/10, 10 से 10 कट हुआ तो नया रेशियो क्या हो गया, 7:3 हो गया। तो ये तब है जब हमें कोई अदर इन्फॉर्मेशन गिवन हो कि कौन कितना शेयर एक्वायर कर रहा है। अब इलस्ट्रेशन नंबर थर्ड देखिए आप इसका, कि इलस्ट्रेशन नंबर थर्ड में कह रहा है कि ए बी और सी ये जो तीन पार्टनर हैं इनका रेशियो 2:1 का है। बी फर्म से रिटायर होता है और उसका पूरा शेयर अकेला सी ले रहा है, यानी ए कुछ नहीं ले रहा, केवल सी ले रहा है। ए और सी का आपको नया रेशियो बताना है। तो इसका देखिए ये भी सॉल्यूशन हो रहा है कि 2:1 ये ए बी सी का नया शेयर था, 2/5 ए का, 2/5 बी का और 1/5 सी का। बी फर्म से रिटायर होता है तो बी का शेयर क्या था, 2/5, और लेकिन ये शेयर अकेला कौन ले रहा है, सी। यानी हम सी के शेयर में अगर इसका प्लस कर दें तो सी का नया शेयर आ जाएगा। तो सी का नया शेयर क्या होगा, सी को पहले मिल रहा था 1/5 और 2/5 अब बी का मिल जाएगा। डिनोमिनेटर सेम है तो 1+2 यानी 3/5 हो जाएगा। अब नया शेयर ए और सी का, ए का तो वही रहेगा जो पहले मिल रहा था यानी 2/5, यानी 2/5 ए का और 3/5 सी का नया हो गया। 5 से 5 कट हुआ तो यानी 2:3 ये ए और सी का नया शेयर हो जाएगा। अब देखिए, अब हमें क्वेश्चन में गेनिंग रेशियो निकालना के लिए भी कहता है, जैसे वहाँ पर एडमिशन में सेक्रीफाइजिंग रेशियो निकालने के लिए कहता था, यहाँ पे हमको गेनिंग रेशियो निकालने के लिए भी कह सकता है। तो इसके लिए इलस्ट्रेशन नंबर 5 दे रखा है आपको कि ए बी और सी ये तीन पार्टनर हैं, ए बी सी, और इनका पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 का था। आपको गेनिंग रेशियो निकालना है अगर ए रिटायर हो, बी रिटायर हो या सी रिटायर हो। सेम क्वेश्चन आपको यहाँ पे भी दे रखा है, एक्स वाई जेड, इसका रेशियो 1/2, 1/3, 1/6 था, जेड रिटायर होता है तो एक्स और वाई का आपको नया शेयर निकालना है। तो इसका सॉल्यूशन आप देखिए, सबसे पहले ए पार्ट कि ए बी सी का पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 का था, यानी 3/6 ए का, 2/6 बी का और 1/6 सी का। यहाँ पे एक लाइन देखिएगा कि अगर कोई हमें इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी हो नए रेशियो की, या फिर कौन कितना एक्वायर या सरेंडर कर रहा है, तो जो बचे हुए पार्टनर हैं उनका बचा हुआ शेयर ही कंटिन्यू पार्टनर का, वो ही न्यू और गेनिंग रेशियो हो जाता है। तो इसके लिए आप देखिए, मैं यहाँ पे आपको दिखा के चलता हूँ कि अगर ए रिटायर होता है, ठीक है, यानी अगर ये रिटायर होता है तो इनका रेशियो क्या बचा, 2:1 बचा, यही न्यू होगा और यही इनका गेनिंग रेशियो होगा। तो ए के रिटायर होने पर बी और सी का नया और गेनिंग रेशियो क्या होगा, 2:1 हो जाएगा। अब अगर बी रिटायर होता है तो क्या होगा, बी मतलब ये अगर रिटायर हो जाए तो इन दोनों का शेयर क्या बचा, 3:1, तो 3:1 ही इनका नया शेयर होगा और यही इनका पुराना शेयर होगा, सॉरी गेनिंग रेशियो होगा। अब अगर सी रिटायर होता है यानी ये रिटायर होता है तो इनका रेशियो क्या बचा, 3:2 बचा, तो यही इनका यहाँ हो जाएगा। सी के रिटायर होने पे 3:2 यही न्यू होगा और यही हमारा गेनिंग रेशियो माना जाएगा। अब इसी का एक बी पार्टो दे रखा है आपको कि एक्स वाई जेड इनका रेशियो था 1/2, 1/3, 1/6, 2, 3, 6 का एलसीएम लेंगे 6 आएगा और इक्वल करेंगे तो 3:2:1 आएगा। जेड फर्म से रिटायर हो गया यानी ये रिटायर हो गया, तो यानी ए एक्स और वाई का शेयर क्या बचा, ये वाला, यानी 3:2, यही गेनिंग रेशियो हुआ और यही इनका न्यू रेशियो हुआ। एक लास्ट और देख लीजिए आप इसका गेनिंग रेशियो के लिए, ये आपके एडमिशन से मिलता जुलता है कि ए बी सी ये तीन पार्टनर हैं, इनका रेशियो 1/2, 3/10 और 1/5 था। बी फर्म से रिटायर होता है, आपको ए और सी जो हैं अब फ्यूचर में अपना प्रॉफिट 3:2 में शेयर करेंगे, यानी यहाँ पे नया रेशियो आपको गिवन है, केवल आपको क्या निकालना है, गेनिंग रेशियो निकालना है। तो इसकी कैलकुलेशन देखिए आप, ए बी सी आपको शेयर इनका गिवन था 1/2 ए का, 3/10 बी का और 1/5 सी का। 2, 10 और 5 का एलसीएम लोगे 10 आएगा, इक्वल करोगे तो रेशियो क्या हो जाएगा, 5:3:2।
बी फर्म से रिटायर हो गया लेकिन ए और सी फ्यूचर में प्रॉफिट कितने में शेयर करेंगे, 3:2 में। तो गेनिंग और सेक्रीफाइस निकालने के लिए आपको पहले वाले चैप्टर यानी एडमिशन में भी आप यूज़ करते थे, ओल्ड माइनस न्यू, पॉजिटिव आता था तो सेक्रीफाइस और नेगेटिव आता था तो गेन। तो ए देखिए आप, ए को पहले मिला था 1/2 और नए के अकॉर्डिंग क्या मिल रहा है, नए के अकॉर्डिंग मिल रहा है 5/5 उसे मिल रहा है यहाँ पर देखिए 3/5। 1/2 और 3/5 को माइनस करना है तो 2 और 5 का एलसीएम 10 इक्वल करेंगे तो ये आएगा माइनस का 1/10, माइनस का है तो मतलब गेन कर रहा है। सी को पहले कितना मिल रहा था यहाँ पे देखिए आप, 1/5 मिल रहा था और नए के अकॉर्डिंग मिलेगा 2/5, डिनोमिनेटर सेम है तो ये माइनस का 1/5 हो जाएगा, ये भी नेगेटिव है तो गेन आएगा। अब हमें गेनिंग रेशियो निकालना है, ए का निकल कर आया 1/10 और सी का निकल कर आया 1/5, ये डिनोमिनेटर सेम नहीं है, 10 और 5 का एलसीएम 10 आएगा, इक्वल करेंगे तो 10 1 10, 5 2 10 यानी 1:2, ये इनका गेनिंग रेशियो हो जाएगा। तो इस तरीके से हम पुराने चैप्टर की तरह ही यहाँ पे गेनिंग रेशियो या जो भी रेशियो निकल के आएगा वो कैलकुलेट कर सकते हैं।